हाँ दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद असलम का ट्रेनर और टेनिस के मास्टर। दोस्तों आज मेरे साथ में जो स्टूडेंट है, आज उनका 15वां दिन है। 15वां दिन में उन्होंने कितने गियर में गाड़ी चलाई है और कैसा गाड़ी, क्या कॉन्फिडेंस है उनका गाड़ी चलाने को लेकर, और गाड़ी चलाने में उनको अभी किस चीज़ का डर लगता है और क्या क्या जिसको फेस करते हैं, या क्या चीज़ उन्होंने कवर कर चुके हैं, स्टेयरिंग का बैलेंस लेके, गियर को लेके और क्लच ब्रेक को लेके, क्या चीज़ का डर है, क्या चीज़ को फेस करते हैं और क्या क्या कॉन्फिडेंस आ गया है, उसके बारे में बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम क्रिश शेट्टी है। क्रिश शेट्टी, आपको कितने गियर में गाड़ी चला अब तक? क्या अभी आप अभी दो तीन गियर में गाड़ी चला आपने, तो आपको किस चीज़ से भी डर लगता है? क्या भीड़ में डर लगता है कि कैसा डर लगता है? मतलब रुकने के टाइम क्लच ब्रेक, मतलब थोड़ा डर लगता है। अच्छा, गाड़ी रुक जाएगी तो गाड़ी बंद हो जाती है तो पीछे से हॉर्न बजता तो वहाँ आपको डर लगता है, थोड़ा वहाँ घबरा जाते हैं आप, बस वो एक डर। बाकी आप गाड़ी चलाने में कैसा कॉन्फिडेंस आपका? उतना है कॉन्फिडेंस है। हाँ, मतलब ओवरटेक करने में, मतलब गाड़ी कंट्रोल करने में, लेफ्ट का जजमेंट, राइट का जजमेंट क्लियर है आपको? हाँ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके ड्राइविंग हम खुद देखेंगे और आज हम गाइड जो एक क्लच ब्रेक को जो कंट्रोल नहीं करेंगे, जो भी कंट्रोल करेंगे वो है क्रिश। हैंड ब्रेक नीचे कर दिया, ओके, रिवर्स गियर डाल दिए, चलिए पीछे की तरफ आने दीजिए और आने दो, बस स्टॉप पर अब गाड़ी निकल जाएगी। तो ये 15 दिन में जो है अच्छी खासी गाड़ी चला रहे। इससे पहले मैंने आपके अपने स्टूडेंट से जो मिलाया था, मुन्ना विश्वकर्मा, उनका जब 12 दिन हो गया था और उन्होंने तीन और चौथे गियर में गाड़ी चला चुके। ये डिवाइडर रोड है क्रिश, तो बिल्कुल संभाल के चलना। लेफ्ट से पब्लिक चल रही है तो लेफ्ट जो पब्लिक चल रही है उनका जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है, ठीक है। और डिवाइडर से तुम सटा के गाड़ी को चलाना नहीं है और गाड़ी को तुम कंट्रोलिंग में लेके चलना। वैसे भी गाड़ी अभी सेकंड गियर में चल रही है आराम से। ये बहुत अच्छा है, देखो उन्होंने क्या किया, जैसे भी रास्ते पर टर्न आ गया ना, टर्न आने के बाद क्रिश ने क्या किया, अपना पैर एक्सीलरेटर से निकाल के ब्रेक पे रख दिया। अभी इन्होंने फिर एक्सीलेटर की तो पैर रखा हुआ है, जब एक आदमी अचानक सामने आ गया तो उन्होंने फौरन कंट्रोल करके क्लच ब्रेक को, क्लच दबा के ब्रेक कंट्रोल किया। अभी देखो पब्लिक लेडीज सामने आ गई है, फिर उन्होंने कंट्रोल वापस किया है क्रिश ने, एक्सीलेटर से पैर निकाल के फौरन ब्रेक की तरफ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सीलेटर जो है ना, उससे दोस्ती नहीं करना, दोस्ती करना ब्रेक से। कहने का मकसद ये है कि जब भी हल्का सा आपको डाउट लगे कि कोई बीच में आने वाला है या कोई गाड़ी क्रॉस करने वाला है या कोई बीच में रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो फौरन पैर अपना एक्सीलेटर से निकाल के ब्रेक की तरफ रखें, जैसे कृष्ण ने किया था। अभी इनका पैर एक्सीलेटर के ऊपर चल रहा है कृष्ण का, ठीक है। अभी देखो सामने एक लेडी चल रही है, फौरन क्लच दबा के उन्होंने ब्रेक कंट्रोल किया। यही मैं अपने स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं, जैसा उनको डाउट लगा लेडीज चल रही है लेफ्ट साइड में ना, तो हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी रहती है इसका, उसको कंट्रोल करना, मतलब उसका ध्यान रखना है, यू टर्न मारना है। तो कृष्ण क्या किया, अभी देखिए यू टर्न मारना है, यहाँ से फर्स्ट गियर डाल दिया कृष्ण ने। फर्स्ट गियर डालने से क्या होता है, गाड़ी पूरी कंट्रोल में रहती है, ठीक है। हाफ क्लच सेकेंड गियर में भी जो यू टर्न हो सकता है, ओके। अभी यहाँ रेस देके गाड़ी को ऊपर स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट गियर में भी जो है, सेकेंड गियर में भी जो यू टर्न मार सकते हैं, लेकिन उस डिपेंड करता है कि गाड़ी कितनी स्लो है, कितनी स्पीड पर है। आराम से देखो ये पब्लिक चल रही है, तो क्रिश का जो पैर एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों जगह पे काम कर रहा है, जो कभी मैं ब्रेक पैर लेके आ गया, क्योंकि सामने ये लेडीज चल रही है बच्चों के लेके, ठीक है। अभी साइकिल वाला चल रहा है, अब क्रिश का पैर तो ऑटोमेटिक ब्रेक पर आ गया है, एक्सीलेटर से भी ब्रेक, ब्रेक से फिर एक्सीलेटर। तो इसी तरह गाड़ी को कंट्रोल करना है, आपको ना अंदाजा हो जाता है, तो वो हिसाब से जो है फौरन एक्सीलेटर से पैर निकाल के जो है और ब्रेक के ऊपर पैर लेके आना। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं देख रहा हूँ क्रिश ने जो स्टीयरिंग पकड़ा है ना, ये देखो एकदम हल्का स्टीयरिंग पकड़ा है क्रिश ने, क्योंकि हल्का स्टीयरिंग पकड़ने से क्या होता है, स्टीयरिंग घुमाने में बहुत आसानी हो जाती है। जितने लोग बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो वो जो है हैंडल को बहुत टाइट पकड़ते हैं, तो वही आदत कार के अंदर भी हो जाती है। स्टीयरिंग को जो कस के पकड़ते हैं तो उससे क्या हो जाता है, स्टीयरिंग घूमने में तकलीफ हो जाती है, रोड तो घूम जाता है लेकिन स्टीयरिंग जल्दी घूम नहीं सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अभी इन्होंने सेकेंड गियर पर जो फिर स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया है, देखो अभी आगे वाइट गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे उन्होंने फौरन ब्रेक पे पैर लेके आ गया, ठीक है। तो क्रिश जो है एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों जगह कंट्रोल कर रहे हैं,
और ये बहुत ज़रूरी है गाड़ी को ट्रेनिंग को लेके, गाड़ी को चलाने को लेके, ये बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। ये देखिए अभी पैर गया, फिर वापस ब्रेक पर आ गया, क्योंकि सामने से गाड़ी जो है ओमनी गाड़ी जो है उन्होंने फौरन स्टॉप कर दिया। वेरी गुड, क्लच दबा के ब्रेक लिया उन्होंने। और ये जो राइट का मिरर और लेफ्ट का मिरर, ये देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पीछे से कौन सी गाड़ी ओवरटेक कर रही है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि बार बार पीछे मुड़ के देख नहीं सकते हो। तो ये आपका पीछे का जो देखने के लिए जो तीसरी आँख है ना, ये आपका मिरर है, राइट का मिरर और लेफ्ट का मिरर और बैक मिरर। ये बैक मिरर और राइट मिरर और ये लेफ्ट मिरर, ये आपकी तीसरी आँख है। पीछे से कौन आ रहा है, कौन हॉर्न बजा रहा है, लेफ्ट है ना, कौन हॉर्न बजा रहा है और कैसा आपको कौन ओवरटेक कर रहा है, ये सब इसी मिरर का देखने से ही मालूम पड़ेगा। वेरी गुड, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को ब्रेक लेके उन्होंने यहाँ पे मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा क्योंकि स्लोप था, इसलिए मैंने कंट्रोल किया। बाकी अभी तक जो कृषि कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम जा रहे भी अशोक नगर मारवा की तरफ आराम से, देख सकते हैं यहाँ पे अभी टर्निंग आ रही है, राइट टर्न जाने का। अभी यहाँ पे फिश का पैर देखिए, अभी ब्रेक पर आ गया क्योंकि टर्निंग है, टर्निंग पे जब पैर ब्रेक पर लगती है गाड़ी की स्पीड बराबर चल रही है, सेकंड पे है स्पीड बराबर। अभी तो बाइक पर आ गया और उन्होंने ब्रेक क्लच ब्रेक दबा के स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सही जो मौसम के मतलब सही डिसीजन के हिसाब से उन्होंने क्लच ब्रेक लिया कि बाइक वाला सडनली जो ब्रेक मार के स्टॉप कर दिया। तो उनका पैर जो है, कहने का मतलब ये है कि जो एक्सीलेटर से पैर ब्रेक पे लेके आते हैं, ब्रेक से फिर एक्सीलेटर, ये दोनों यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरा पैर एक्सीलेटर पे रहना तो, लेकिन मैं गाड़ी टर्न मार सकता हूँ, हो सकता है, लेकिन वो रिस्की होता है। सडनली कोई बीच में आ गया, आपका पैर ब्रेक पे नहीं आया, एक्सीलेटर पर ही हो, आपने ज़्यादा दूर की दबा दिया तो सीधा गाड़ी लड़ जाएगी, किसी न किसी को लग जाएगी। तो इसलिए ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों कंट्रोल करता रहता है, इसलिए राइट का पैर सिर्फ एक्सीलेटर ब्रेक के लिए होता है। आप देख सकते हैं अभी दोबारा गाड़ी फिर स्पीड में चल रही है, डाउट लगा फिर ब्रेक पे पैर लेके आ गया मैंने, क्योंकि लेफ्ट में लेडी चल रही थी इसीलिए। तो दोस्तों क्रिश की ड्राइविंग कैसी लगी आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और जिस तरह उन्होंने जिस तरह से कहा था गाड़ी को कंट्रोल पर कर सकते हैं, आज मैं उनको ट्रैफिक में लेके नहीं गया, तो नेक्स्ट टाइम जिनको मैं ट्रैफिक में लेके जाके ट्रैफिक की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आ गया दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।